यशस्विनी, तूने अपनी मम्मी से बात की क्या? कब करने वाली है? ये रोक रहेगा देखो। इसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? मैंने नहीं रोका है इसको, ठीक है? इसकी फटती है मम्मी से, फटती तो मेरी भी है। फटती तो मेरी भी है, पर भाई देखो बात तो करना पड़ेगा ना। अगर उनको कहीं और से पता चल गया ना कि तू ये सब मूव आउट की प्लानिंग कर रही है, भाई तेरे को जो जूतियां पड़ने वाली है ना, भिगो भिगो के भगा भगा के सोच ले। यशस्विनी यार, तुम लोग डराने के लिए आए हो कि किसके लिए यार? हेल्प करो ना। अच्छा तूने कैसे मनाया अपनी मम्मी को? ठीक है, फर्स्ट तेरे को आंटी को सारे पॉजिटिव्स जितने भी हो सकते हैं अबाउट मूविंग आउट बताने पड़ेंगे। ओके गुड। और नेगेटिव जो मम्मी बोलेगी वो तो हमें पता ही है ना। बच्चों को बस शहर से दूर जाके पढ़ाई करनी है। क्यों? मम्मी पापा से दूर होके अपनी मर्जी के मालिक बनना है। और फिर ड्रग्स करेंगे, रेव करेंगे, सेक्स करेंगे, कोकेन करेंगे, चरस पिएंगे, ड्रग्स के टीके लगाएंगे, फिर लेट हो जाएंगे। तो क्या चल रहा है ये सब? EIP में मुझे एडमिशन मिल गया। EIP मतलब? इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। पुणे? अरे पर मुंबई के इतने अच्छे कॉलेज में तुझे एडमिशन मिली है? वहाँ का कोर्स और फैकल्टी बेटर है माँ। फैकल्टी तुम्हारे कपड़े धोएगी, कमरा साफ करेगी, तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाएगी। देखो तुम्हारा कमरा, 3 दिनों से ये शर्ट यही पड़ी हुई है। हाँ तो मैं उठाने वाली थी ना यार। एक्चुअली आप सही कह रहे हो, आपको तो पता ही है मेरे हाल। आप ही की लाड प्यार है तो बिगाड़ा है मुझे। मुझे मैं 2 अलग अलग मोजे पहनती हूँ। क्यों पहनती हूँ? फैशन लगता है? नहीं, जुड़वे मिलते नहीं है उनके। जो सफाई मैंने की है सब फरेब, धोखा है धोखा। ये जो ये झाड़ू है ना, झाड़ू कभी उठाया नहीं आपकी बेटी ने। जानवर भी ना जब सोते हैं तो जगह साफ करके सोते हैं। कचरे के ढेर में लेटी हुई हूँ मैं, बताओ कैसे सुधरूंगी? मैं बताऊंगी कैसे सुधरूंगी, जब मैं जाऊंगी घर से दूर पुणे और मुझे लगेगी भूख तो बनाना पड़ेगा खुद का खाना। और जब कमरा बन जाएगा कचरे का ढेर तो बेड तक पहुंचने के लिए खुद ही कमरा साफ करना पड़ेगा ना। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी, तुझे तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो फिर पुणे जाने की जरूरत क्या है? प्रॉब्लम यही समझ आ गई है तो सलूशन भी यहाँ ढूंढ लेंगे। यहाँ कैसे ढूंढेंगे, यहाँ तो आप करते हो ना, मैं कैसे सीखूंगी? ठीक है तो कल से नहीं करूंगी, अपना काम खुद कर लेना। नहीं, यहाँ आप करो, मैं पुणे में करूंगी। बेटा परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलो। मैं जा रही हूँ कि नहीं? नहीं जा रही हो, अपना कमरा साफ करो। क्या चाहिए? खाना तैयार है, जाके बैठ जा। तुझे हॉस्टल का एक्सपीरियंस चाहिए ना, देख ले। घर पे रहेगी तो ये खाना मिलेगा और वहां जाएगी तो वो। तुझे क्या चाहिए? सुन, बर्तन कौन धोएगा? रुक 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 रुक, 1 मिनट रुक। अपने कपड़े खुद धोना।
वॉशिंग मशीन तो अंदर है ना। हॉस्टल में तुझे वॉशिंग मशीन कौन देगा? अपने बाथरूम में जा और एक एक कपड़ा ब्रश से अच्छी तरह घिस घिस के धोना, ठीक है? ये ले जा। क्या हो रहा है देश में? अत्याचार करके अंदर ही। मम्मा धो दिए मैंने सब कपड़े, फुल आर्म्स एक्सरसाइज। हॉस्टल लाइफ इज गोइंग टू बी सो गुड फॉर मी, मतलब मसल बिल्डिंग भी और कैरेक्टर बिल्डिंग भी। वेरी गुड। अब ऐसा करो, सारे कपड़े बाल्टी में डालकर छत पे सुखा दो। अच्छा, एंड आई होप यू नो कि वाइट्स और कलर्स अलग से धुलते हैं, नहीं तो रंग लग जाता है। हाँ, वाइट कपड़ों पे। आई नो। गैस पे कुछ है क्या? अरे शांति, चाय बन रही है, आप जाके बैठो। हाँ बैठो। अच्छा, मैं सोच रही थी मेरी पहली क्लास तो सुबह 9 बजे होगी। अब अपना घर तो है नहीं कि माँ खाना तैयार रखे और मैं उठूँ आराम से महारानी की तरह 8 बजे। टेंशन मत लो, चीनी नहीं डाली है, शुगर फ्री डाला है, 2 ही डाला है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर मुझे हॉस्टल में रहना होगा तो 6:30 तक तो उठना पड़ेगा, खुद के कपड़े धोने पड़ेंगे, वाइट और कलर अलग अलग, ठीक है ना? आपके कपड़े वैसे मैंने धो दिए, ऊपर सुखाने के लिए डाले हैं। अरे प्रांजलि आओ आओ। जब आपके प्यारे दोस्त आपसे मिलने आए तो उन्हें पानी पूछिए। नहीं चाहिए। नहीं ना, ताकि आपके बचपन के दोस्त सारी जिंदगी आपके दोस्त रहे और आपके साथ साथ चलते रहे। चलना। ब्रो, अपनी मम्मी से जीतने में जो मजा आता है ना, पुणे के लिए मना नहीं कर पाएगी। And Ranjali, I'm so excited. We're gonna have so much fun. My bag is already okay. It's not packed, but I've been packing. And पता है, वहाँ पे ना हमारे किस्से गाए जाएंगे। मुंबई की वो दो धासु लड़के जिन्होंने पुणे की गली में आग लगा दी। आग। सुनना यशस्विनी। हाँ। मैं ना पुणे नहीं आ सकती यार। Okay, very funny. नहीं, वो नीना ताई भागवत में फीस जमा कर दिया और नेक्स्ट वीक से मेरी क्लासेस है। तू मजाक कर रही है ना? और हमारा प्लान, मैं अकेले जाऊं पुणे, हम पुणे की गलियों में आग लगाने वाले थे यार। ब्रो मुझसे नहीं हो पाएगा यार, अकेले रहना कितना टफ होता है पता है? कपड़े खुद धोने पड़ते हैं और वो मेस का गंदा खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे। देखो पता है हॉस्टल में कितनी चोरियां होती है, अचार तक नहीं छोड़ती यार लड़कियां। ऊपर से मैं बीमार भी पड़ी रहती हूँ, मम्मी रहेगी तो अच्छा है ना। तू एक काम कर, तू ना अपनी मम्मी की गोद में ही घुसी रहे। प्रांजलि तू हमेशा यही करती है यार, तू स्टार्टिंग में इंतु कर ले डरती हो, फिर मुझे अकेला फंसा के निकल जाती है यार। आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? बाय बाय, आई डोंट केयर। वेट प्रांजलि, प्रांजलि एक मिनट रुक प्लीज। देख खाना बनाना मैंने सीख लिया है, दाल बॉईल करनी आती है, तड़का मैं सीख रही हूँ, और अगर तू बीमार होगी तो मैं रखूंगी ना तेरा ख्याल, तो टेंशन क्यों ले रही है? पर तू मम्मी थोड़ी है यार। यशस्विनी ये है तेरा काम, मेरे पूरे दुपट्टे पे रंग लगा दिया और तू रहेगी अकेली? तो नहीं जा रही मैं कहीं, यही किसी कॉलेज में पढ़ लूंगी मैं, वैसे भी कोई भी काम तो ढंग से होता नहीं है मुझसे।
क्या कर रहे हो? बहुत हो गया, मैं और नहीं झेल सकती। कब तक तुझे संभालती रहूंगी मैं? तू पुणे जा रही है। यार मत करो ना ये, नहीं जा रही मैं, नहीं होगा अकेले। क्या हुआ? डर लग रहा है? अरे ये तो तेरा बचपन से नेचर है। याद है जब स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे, फर्स्ट डे कितना डरी थी, फिर सेकंड डे तुझे खींच के निकालना पड़ा पूल में से, और जब स्कूल चेंज किया पहले दिन कितना रोई, लेकिन हजारों फ्रेंड्स बना लिए। यहाँ भी यही होगा, फर्स्ट डे डरेगी, याद आएगी, लेकिन फिर वही अपना घर जमा लेगी। पता है मुझे, फोन भी नहीं करेगी मुझे। आपके लिए भी तो नया है, आप मिस नहीं करोगे ना? ऑफ कोर्स मिस करूंगी, थोड़ा रो भी लूंगी, लेकिन तुझे भी तो बड़ा होना है ना। तेरी नौकरी के अलावा मुझे भी बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ का। याद है वो करियर जो तेरे लिए छोड़ा? मैं फिर चाय कौन बनाएगा? और जब सर दुखेगा तो चंपी वालिश कौन करेगा? अरे इतनी याद आएगी तो आ जा फिर। पूना कितनी दूर है मुंबई से? हर वीकेंड आ जाना। ये ज्यादा हो रहा है। आ गई ना लाइन पे। अच्छा देख, तेरे ट्रेन का टिकट कल बुक करेंगे। पैकिंग अभी खत्म कर ले। अभी नहीं, अभी चल उठना। अरे कल उठ के कर लेंगे यार, अभी आप सो जाओ। और कुछ भूल गई तो मैं आ जाऊंगी ना वापस। कौन सा भाग के जा रही हो? चल सो जा। आप भी यहीं सो जाओ। नहीं सो जाओ, तो बहुत लात मारती है। नहीं हाँ तो आप खराटे मारते हो, मैं कुछ बोलती हूँ। ब्लैंकेट भी खींच लेती हूँ। नहीं इसको बंद हुए वे। 15 मिनट में क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी से उठ जा। हेलो, हाय, मेरी तो क्लास है, पर यू गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्कूप वूप। फॉर ऑल द न्यू स्टफ, click on this bell icon and make sure you never miss a video from Scoop Hoop.